हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति झा और इंडियन फूड विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल पोहे के लड्डू। तो फ्रेंड्स, पोहे के लड्डू से पहले मैंने मुरमुरे के लड्डू का रेसिपी डाला हुआ है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोहे के लड्डू, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंडियन फूड विद ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, पोहा का लड्डू बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पोहा लिया है और 300 ग्राम गुड़ लिया है। तो पोहा को यूपी बिहार साइड में चिवड़ा भी बोला जाता है, चिवड़ा भी बोला जाता है, तो इस तरह से लोग इसे जानते हैं। तो चलिए आज हम लोग बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। ये हम मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बना रहे हैं, तो चलिए इसे सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके खाली कढ़ाई में भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ये थोड़े थोड़े करके पोहे डालते जाएंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। इस तरह से हमें चलाते रहना है और इसे भून लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं ये पोहा का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। हमें हाई फ्लेम पे इसे इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से पूरा। इस तरह से आप देखिए, कलर भी इसका गोल्डन जैसा होने लगा है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में भी आपको इस तरह से पोहा भुंजा हुआ मिल जाएगा, जो कि बालू में भुजा जाता है उसको, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप उससे भी ये लड्डू बना सकते हैं। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप घर में इस तरह से कढ़ाई में हल्के हल्के इसे फ्राई कर लें। इस तरह से देखिए इसका कलर किस तरह से चेंज होते जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये चूरा जो है हो चुका है। इसे हम चेक करने के लिए इसे हम हाथ से इस तरह से मसल के देखेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल किस तरह से ये चूरा बन जा रहा है, बिल्कुल ये इसका पाउडर बन जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि ये हो चुका है हमारा। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे पोहे को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसे दूसरे बर्तन में इस तरह से निकाल ले रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे पोहे को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारा पोहा को फ्राई कर लिया है। अब हम इस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी, जिसमें हमने फ्राई किया था उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। हल्का सा पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है गुड़ की। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आप इस तरह से हाथ में इसे लेंगे थोड़ा सा और इस तरह से आप इसे चिपचिपा ऐसे करके देखेंगे और ये देखिएगा ये की तार छोड़ने लगा है। या आप इसे चेक करने के लिए किसी पानी में भी आप लेके इसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप पानी ले लीजिए और इसमें आप थोड़ी सी इसकी बूंदे डाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें भी इसे चेक कर सकते हैं। इसे उठा के देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। ये इस तरह से आपको लगने लगेगा ये हार्ड हार्ड हो चुका है, तो इसलिए ये बन चुका है। अब हम इसमें ये अदरक ऐड करेंगे।
अदरक क्रश किया हुआ, क्योंकि अदरक मुझे बहुत पसंद होता है, इसलिए अदरक मैं इसमें डालती हूँ। इससे एक अलग सा ही फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप नहीं डालें। ये इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये जो पोहा है वो मैं सारे इसमें डाल देती हूँ थोड़े थोड़े करके, और इसे मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं ये भी बचा हुआ जो पोहा है उसे भी डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। तो सबसे पहले हाथ में पानी लगा लेना है थोड़ा सा। आप घी नहीं लगाएं इसमें, क्योंकि घी लगाने से आपका लड्डू बंधेगा नहीं, इसलिए पानी लगा के आप थोड़े थोड़े से इस तरह से आप लेते जाएं हाथ में, और इसे इस तरह से हथेलियों की मदद से आप इसे दबाते जाएं, और दबा दबा के आप ये गोल गोल लड्डू बना लें। आप इसे बड़े छोटे जैसे भी आकार से आप बनाना चाहें आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये लड्डू बन चुका है। अब मैं दूसरा भी बना लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये दूसरा लड्डू भी बना लिया है, और ये देखिए इस तरह से आप पानी लगाते जाएं, नहीं तो ये बंधेगा नहीं। इस तरह से आप हल्के हल्के पानी भी लगाते जाएं, उसके बाद फिर आप इसे इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने तीसरा लड्डू भी बना लिया है। यूपी बिहार में इसे लाई या लाडू भी बोला जाता है, आपको पता होगा। तो इस तरह से आप ये तीसरा लड्डू भी बना लीजिए इस तरह से, और उसके बाद मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारा लड्डू बना के तैयार कर लिया है। देखिए ये हमारा लास्ट वाला लड्डू बचा हुआ है, इसे भी मैंने बना लिया है। देखिए इस तरीके से ये सारा लड्डू, देखिए ये मैंने 500 ग्राम पोहा लिया था, उससे हमारे इतने लड्डू बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, खाने में भी उतने ही अच्छे लगेंगे। तो आप इस बार इस मकर संक्रांति में आप इसे जरूर बनाइए, और कैसा लगता है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये लड्डू का रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल इंडियन फूड विद ज्योति को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कुकिंग से रिलेटेड सारे वीडियोज आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।